बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। बेटा, आप लोगों के सबकी जो रिक्वेस्ट थी कि सर वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के ऊपर एक जो है वीडियो बनाएं ताकि हमें पता चले कि वर्बल इंटेलिजेंस होते क्या हैं, क्योंकि अब जो स्क्रीन टेस्ट के अंदर वर्बल और नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट तकरीबन हर ऑर्गेनाइजेशन में अब लिया जाने लगा है। इससे पहले इसे सिर्फ आर्म फोर्सेज वाले लेते थे, लेकिन अब तकरीबन हर जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो वहाँ पर ये टेस्ट अब तकरीबन लिया जाने लगा है। तो वर्बल टेस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा टाइप्स होती हैं वर्बल टेस्ट की भी, कि वर्बल टेस्ट के अंदर किस टाइप का आपसे सवाल पूछा गया है। तो आज मैं सिर्फ और सिर्फ उसी पे ऊपर आपको जो है ब्रीफ करूँगा कि वर्बल टेस्ट की कितनी टाइप्स होती हैं, जिसके बारे में हमसे आगाही ली जाती है, जिसके बारे में हमसे पूछा जाता है। वर्बल टेस्ट की डिफरेंट टाइप्स हैं, तकरीबन 12 या 13 टाइप्स हैं। आज जो मैं डिस्कस करूँगा खाली ये वो कर सकूँगा, इंशाल्लाह ताला अपकमिंग डेज़ के अंदर मैं आपको कंप्लीट ब्रीफ करूँगा इसके बारे में कि जो सवाल जिस तरीके से आते हैं उसको कैसे हैंडल करना पड़ा है। वर्बल टेस्ट के अंदर हमारे पास जो जिस तरह जो टेस्ट आते हैं उसके अंदर जो पहला है वो है होता है एनालॉजी टेस्ट, ये होता है मुवाजना या तशबीह का टेस्ट। ठीक है, इसके अंदर एक चीज़ को दूसरी चीज़ से तशबीह दी जाती है या उसका कंपेरिजन किया जाता है चीज़ों का आपस में। तो ये इस तरह का जो सवाल आते हैं वो एनालॉजी टेस्ट कहलाता है। दूसरा हमारे पास होता है रिलेशनशिप टेस्ट। इसके अंदर रिलेशनशिप टेस्ट के अंदर हमें ताल्लुक़ तलाश करना पड़ता है कि चीज़ों का आपस में ताल्लुक़ क्या है। ये एनालॉजी टेस्ट और रिलेशनशिप टेस्ट तकरीबन एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन थोड़ा सा इनमें फ़र्क होता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास जो आता है वो होता है वो उसके बाद जो हमारे पास आते हैं वो आते हैं जंपल वर्ड्स। इसके अंदर हम लोगों को बेतरतीब अल्फाज़ की दुरुस्तगी करनी पड़ती है। उसके बाद हमारे पास होते हैं कोडिंग एंड डीकोडिंग, खुफिया ज़ुबान का शऊर। इसके अंदर हमें बेसिकली ये पता लगाना होता है कोडिंग एंड डिकोडिंग के अंदर कि हमसे क्या बात की गई है और कैसे हमसे हमें जो बात डिलीवर की गई है उसको फाइंड कैसे करना है कि हमसे क्या बात की जा रही है। इसमें कोडिंग एंड डिकोडिंग की जाती है। इसके बाद हमारे पास आते हैं डिजिट्स कोडिंग, हिंसों की खुफिया ज़ुबान का शऊर। डिजिट के अंदर हमारे पास 1 2 3 4 5 दिए जाते हैं और इससे हमें अंदाज़ा लगाना पड़ता है अल्फ़ाबेटिक्स के नंबर्स के साथ मैच करते हुए वर्ड्स के साथ कि अब हमसे इसके बारे में क्या बात की जा रही थी, हमें क्या मैसेज दिया गया है। सेम क्लास वर्ड्स के अंदर जो है एक ही तरह के अल्फाज दिए होते हैं, लेकिन एक वर्ड उनमें ऐसा दे दिया जाता है जो कि उससे डिफरेंट होता है, हमें वो निकालना होता है। सैनोनिमस हम मायने अल्फाज होते हैं, ये तो हमें उसी से देखने पड़े आते हैं इंग्लिश के जो हम जो ग्रामर कर रहे होते हैं। एंटीनम्स ये मुतजाद अल्फाज होते हैं। फाइंडिंग डायरेक्शन सिम्प मालूम करना, इसके अंदर हमें जो है सिम्प मालूम करनी होती है कि सिम्प क्या है। उसके अलावा हमारे पास होते हैं कॉमन सेंस के अंदर नॉर्मल सवालात होते हैं, हमें थोड़ी सी तवज्जो देनी होती है, उसके बाद हमें पता चल जाता है कि हमसे क्या बात की गई है। ब्लड रिलेशनशिप के अंदर खूनी रिश्तेदारों की आपस में बात की जा रही होती है और पता लगाना होता है कि हमारे किस ब्लड रिलेशनशिप की बात की गई है, उसको फाइंड करना पड़ता है। कन्फ्यूजिंग इंस्ट्रक्शंस मुंतशिर हिदायत, जो कन्फ्यूजिंग इंस्ट्रक्शंस होती हैं उसके अंदर हमें मुंतशिर हिदायत दी होती हैं और उसको हमें सही तरीके से समझना होता है कि क्या बात की गई है। देखिए टोटल 12 हो गए हैं। इसके अलावा जो होते हैं वो होते हैं अल्फ़ाबेटिक टेस्ट, ये भी एक अल्फ़ाबेटिक टेस्ट होता है जिसके अंदर अल्फाज के आगे पीछे करने से नया लफ्ज बन जाते हैं और हमें वही फाइंड आउट करना होता है कि वो नया लफ्ज़ क्या है। अच्छा, ये तो टोटल जो थे ये 13 आपके पास टेस्ट होते हैं जो कि वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर आते हैं, जिसके अंदर से हमें पता लगाना होता है कि किस वर्बल टेस्ट की बात हमसे की गई है, उसके बाद उसको उसी मेथड के थ्रू सॉल्व करना होता है। आज जो बहुत ज़्यादा जो पेपर के अंदर अभी जो चल रहे हैं जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं वो ओड मैन आउट होते हैं, ओड मैन आउट और कोडिंग एंड डीकोडिंग। मैं यहाँ पे मुख्तसरन ओड मैन आउट और कोडिंग एंड डीकोडिंग को डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह ताला आने वाले जो अपकमिंग डेज हैं इसके अंदर मैं कंप्लीट इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही एक तकरीबन ये समझ लीजिए कि बहुत बड़ी एक इसके ऊपर वीडियो बनेगी, क्योंकि ये जो है छोटी बात नहीं है, इसमें इसको डिटेल वाइज बताना पड़ता है, फिर उसके बाद समझ में आएगी कि ये क्या बात हमसे की जा रही है। ओड मैन आउट के अंदर बेटा बेसिकली आपको 4 वर्ड्स दिए हुए होते हैं, इनमें से एक वर्ड ऐसा होता है जो कि बाकियों से डिफरेंट होता है, आपको वो जो डिफरेंट है निकालना होता है। जैसे ये है आपके पास ब्लैंकेट, उसके बाद है कॉट, कवर, स्टिक। अब देखिए इसके अंदर चारों के अंदर से एक कंबल है, दूसरा कोट है, तीसरा कवर है, चौथी जो है स्टिक है, छड़ी है। इन तीनों के अंदर से ये तीन तो सेम थे लेकिन स्टिक इनमें डिफरेंट थी, लिहाजा स्टिक ओडमैन आउट के अंदर से आउट हो जाएगी।
उसके बाद है परचेज, सेल, चेन, प्रॉफिट। इन तीनों के अंदर देखिए ताल्लुक है, लेकिन चेन इनसे डिफरेंट होती है। इसी तरीके से गोल्ड, आयरन, सिल्वर, मरकरी, तीन मेटल्स हैं, एक अलग है, ये अलग हो जाएगी। कोडिंग एंड डीकोडिंग के अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं, देखिए कोडिंग एंड डीकोडिंग के अंदर जो है वो पूरा आपको जो रफ पेज मिला हुआ होगा उसके ऊपर आप क्या कर लेंगे, उसके ऊपर आप अल्फ़ाबेट्स लिख लेंगे 1 to ABC और उसके ऊपर नंबरिंग डाल देंगे। उससे ये सवालात किए जाएंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इफ 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टैंड फॉर द वर्ड ब्रेकिंग, व्हाट नंबर स्टैंड फॉर ब्रेकर। देखिए ब्रेकिंग के से ब्रेकर का दोनों मैच कर रहे हैं, यानी कि ये तो हो जाएगा 1 2 3 4 5, 5 तक सेम हो जाएगा। उसके बाद है ई आर, ई आर को अगर आप देखो तो ई तीसरे नंबर पे है, आर दूसरे पे, यानी कि लास्ट में आएगा 3 2। अब देखिए इसके अंदर अगर आप चारों में देखें 3 2 लास्ट में किसके आ रहे हैं, ये आ रहे हैं 3 2 लास्ट में। तो कोडिंग एंड डिकोडिंग को इस तरह जज किया जाता है। ये तकरीबन हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लिए जाने लगे हैं ये सवालात, तो आप लोगों को मैं ये कंप्लीट बताऊंगा कि ये कैसे करना होगा, तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और अब अपकमिंग डेज़ के अंदर मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ इन चीज़ों को डिस्कस करूंगा। ये अभी रफली मैंने आप लोगों को एक आइडिया दिया कि बेटा किस तरीके से वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट होता है। इंशाल्लाह ताला अभी आने वाले वक्त के अंदर मैं और डालूंगा आप लोगों के लिए वीडियोज़। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।